यह मॉड्यूल पूरा करने के बाद आप निम्न कर सकेंगे। लेवलिंग के लिए आवश्यक एडजस्टमेंट्स के प्रकारों को पहचान सकेंगे और बेंचमार्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकेंगे। आपने सीखा है कि लेवलिंग उपकरण इस्तेमाल करके वर्टिकल प्लेन में पॉइंट्स के संबंधित उठावों को मापने की प्रक्रिया है। फील्ड में लेवलिंग उपकरण इस्तेमाल करके कुछ भी मापने से पहले आपको उपकरण में कुछ अस्थाई एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। आइए देखें कि अस्थाई एडजस्टमेंट्स क्या हैं और ये एडजस्टमेंट्स किस तरह किए जाते हैं। लेवलिंग उपकरण सेट करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले ट्राइपॉड को स्टेशन मार्क पर सेट करें। उसके बाद उपकरण को एक हाथ में पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उपकरण के लेवलिंग हेड को ट्राइपॉड स्क्रू पर घुमाएं। उपकरण को सुविधाजनक ऊंचाई पर एडजस्ट करने के लिए ट्राइपॉड की टांगे फैलाएं। उसके बाद उपकरण के नीचे से स्टेशन मार्क पर एक पत्थर फेंकें ताकि उपकरण को स्टेशन मार्क के ऊपर अचूकता से सेंटर किया जा सके। अब ट्राइपॉड की किन्हीं दो टांगों को जमीन पर मजबूती से फिक्स करें और मेन बबल को लगभग ट्यूब के सेंटर में लाने के लिए तीसरी टांग को गोल घेरे में घुमाएं। इसलिए याद रखें कि लेवलिंग उपकरण सेट करने की प्रक्रिया में उपकरण को ट्राइपॉड पर फिक्स करना, उपकरण की ऊंचाई एडजस्ट करना और क्रॉस बबल को सेंटर करना शामिल है। उपकरण की लेवलिंग करने का मतलब है ट्यूब के बबल को सेंट्रल स्थिति में लाना। उपकरण की लेवलिंग करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले बबल ट्यूब को 2 फुट स्क्रू में से किसी एक के समानांतर रखें। 2 फुट स्क्रूज को घुमाकर बबल को सेंटर में लाएं। बबल ट्यूब या टेलीस्कोप को 90 डिग्री में घुमाएं ताकि वह तीसरे फुट स्क्रू पर आ जाए और पहली स्थिति के एकदम लंबरूप हो जाए। तीसरे फुट स्क्रू को घुमाकर बबल को सेंटर में ले आएं। बबल ट्यूब को पहली स्थिति में वापस ले आएं, यानी कि 2 फुट स्क्रूज के समानांतर ले आएं और जांच करें कि बबल सेंटर में रहता है या नहीं। यदि नहीं तो 2 फुट स्क्रूज को घुमाकर बबल ट्यूब को फिर से सेंटर में ले आएं। उपकरण को किसी भी दिशा में घुमाने पर बबल के बबल ट्यूब के अंदर सेंटर में रहने तक यही प्रक्रिया दोहराएं। इसलिए याद रखें, उपकरण की लेवलिंग करने के लिए हमेशा इन चरणों का पालन करें। अचूक साइटिंग के लिए पैरेलेक्स को हटाना चाहिए। इसमें 2 ऑप्शंस शामिल हैं, जैसे कि आईपीस फोकस करना, फोकसिंग स्क्रू घुमाना। आईपीस फोकस करने के लिए टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश या कागज की सफेद शीट पर देखें और क्रॉस हेयर्स स्पष्ट और विशिष्ट होने तक आईपीस एडजस्ट करें। अब फोकसिंग स्क्रू घुमाने के लिए टेलीस्कोप के माध्यम से स्टाफ देखें और इमेज के स्पष्ट और तेज दिखने तक फोकसिंग स्क्रू को घुमाएं। हमेशा याद रखें कि पैरेलेक्स को 2 चरणों में हटाया जाता है, आईपीस फोकस करना और फोकसिंग स्क्रू घुमाना। स्थायी बेंचमार्क का मतलब है
मीन सी लेवल अर्थात जिसका संक्षिप्त रूप MSL है के ऊपर ज्ञात उठाव वाला पॉइंट आमतौर पर स्थायी बेंचमार्क सर्वे की साइट से बहुत दूर होता है। इस तरह के मामलों में जमीन या खंबे या पुल के किसी टुकड़े को अस्थायी बेंचमार्क माना जा सकता है। अस्थायी बेंचमार्क के उठाव को 100 होने का अनुमान लगाया जाता है। अस्थायी बेंचमार्क और बताए गए पॉइंट के बीच स्थित उठाव की दूरी जानने के लिए सबसे पहले अस्थायी बेंचमार्क को स्टाफ पर रखें और फिर लेवल के साथ रीडिंग लें। ध्यान रखें कि आपको इस रीडिंग में 100 जोड़ने होंगे। उसके बाद स्टाफ को बताए गए पॉइंट पर रखें और दूसरी रीडिंग लें। अस्थायी बेंचमार्क पर स्टाफ की रीडिंग और बताए गए पॉइंट की रीडिंग के बीच का अंतर ट्रांसफर्ड बेंचमार्क रीडिंग का काम करता है। इस प्रक्रिया को बेंचमार्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना कहा जाता है। इस मॉड्यूल में आपने लेवलिंग के लिए आवश्यक एडजस्टमेंट्स के प्रकार और बेंचमार्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने का तरीका देखा। फील्ड में लेवलिंग उपकरण सेट करना, उपकरण को लेवल करना, पैरेलेक्स हटाना। बेंचमार्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए बताए गए पॉइंट से स्टाफ की रीडिंग को अस्थायी बेंचमार्क पर स्टाफ की रीडिंग में से घटाएं।